दिस कि कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी जो रिकॉर्डेड। हमारा वॉल्यूम्स है, तो वॉल्यूम्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि लुक लाइक कि हमारा एक सिस्टम है। मैं अगर बात करता हूँ सिस्टम्स की, तो दिस इज माय पीसी, और हमारे पीसी के अंदर एक हार्ड ड्राइव होती है जिसको हम बोलते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड डिस्क के अंदर हम अपने पार्टीशंस बनाते हैं, सी ड्राइव, डी, ई और बाय डिफॉल्ट जो हमारा एक्टिव पार्टीशन होता है, वो हमारा सी ड्राइव होता है, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। इस पार्टीशन के अंदर हमारा क्या होता है, ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसी तरीके से ये तो चलो हमारे फिजिकल सिस्टम्स की बात हम करें, इसी तरीके से यहाँ पर इसको हार्ड डिस्क बोला जाता है। इसी तरीके से जब हम वी आर यूजिंग, इफ आई एम क्रिएटिंग द एनी इंस्टेंस, तो हम इंस्टेंस के अंदर जो अटैच करते हैं वो वॉल्यूम्स अटैच करते हैं। यानी कि वो वॉल्यूम्स कितने का होता है, बाय डिफॉल्ट वो जो 30 GB होता है ड्यूरिंग द वर्चुअल मशीन बनाते वक्त, ये जो वॉल्यूम्स होता है ये कितने जीबी का होता है, 30 GB का हार्ड ड्राइव होता है, जैसे 30 GB। फाइन, एंड 30 GB का ये जो हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर एक ही पार्टीशन बाय डिफॉल्ट बना होता है जो कि सी ड्राइव होता है, कंप्लीटली सी ड्राइव। तो जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, तो हमारा जो वॉल्यूम ऐड करने का आता है 30 GB का, तो वो हमारा 30 GB का सी ही ड्राइव बनता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आप सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटिंग द वन वर्चुअल मशीन, दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। हाँ बताइए। सर, ये जो अभी आपने बताया कि ये जो हार्ड ड्राइव जो होता है, फिजिकल हार्ड ड्राइव, तो जब इसका सर दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें इंस्टॉल करेंगे, तो ये 30 GB से इंक्रीज नहीं हो सकता है? अभी उसी क्वेश्चन का तो आंसर दे रहा हूँ, डोंट वरी, पहले देख तो लो। आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का ही आंसर दिखा रहा हूं मैं आपको। सो गाइस, कल हमने वर्चुअल मशीन एक क्रिएट करी थी, तो अगेन मैं एक वर्चुअल मशीन जब हम क्रिएट करने जाते हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रनिंग इंस्टेंस, या आप यहाँ पर इंस्टेंसेस पे भी क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस नहीं है, एक इंस्टेंस मैंने बनाया हुआ, ये मेरा सर्वर बना हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि मेरे अदर बैचेस के हैं। सो लॉन्च इंस्टेंस, एंड आफ्टर क्लिकिंग द लॉन्च इंस्टेंस, सो आपको पता है सबसे पहले AMI का ऑप्शन आता है, सो वी हैव सेलेक्ट द AMI लाइक का 2012, 2016, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट, एंड यू कैन सी द T2 माइक्रो इज अ फ्री हार्डवेयर टाइप्स, एंड देन दिस इज इंस्टेंस डिटेल्स कि हाउ मेनी इंस्टेंस यू आर क्रिएटिंग द, आई एम क्रिएट द वन इंस्टेंस, नेटवर्क डिफॉल्ट VPC, एबिलिटी जोन्स इन विच डेटा सेंटर द सी, इफ यू आर यूजिंग द फ्री टायर अकाउंट द सी डेटा सेंटर इज नॉट वर्क। तो अगर आप फ्री टायर अकाउंट से काम कर रहे हैं, तो आपकी कोई भी रिसोर्सेज सी में डिप्लॉय नहीं होगी, दिस इज अ पेडेबल। सो यू कैन सिलेक्ट द ए एंड बी, आप ए और बी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन सिलेक्ट द पब्लिक IP, देन एड स्टोरी स्टोरेज। सो यू कैन सी दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम्स, तो यहाँ पर ये 30 GB का स्पेस है। सो मैं इसी वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ कि योर इंस्टेंस विल बी लॉन्च विद द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस सेटिंग, यू कैन अटैच एडिशनल EBS वॉल्यूम्स एंड इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम टू योर इंस्टेंस। देखो सिंपल सा है कि ये जो 30 GB का है ना, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, चॉइस इज योर कि आप कितना इंक्रीज इसको करना चाहते हो, या आप कौन सी हार्ड डिस्क लेना चाहते हो। तो यहाँ पर जो हमारा फ्री ट्रायल अकाउंट है, तो उसमें हमें जनरल पर्पस मिली हुई है, बाकी आप SSD, मैग्नेटिक, जो भी आप लेना चाहते हो वो आप हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर सकते हो, कितने पर सेकेंड इनपुट आउटपुट हो पर सेकेंड, से वो भी आप देख सकते हो, रीड एंड राइट कैपेसिटीज। दूसरा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है कि इफ यू कैन डिलीट द वर्चुअल मशीन, अगर आप इस वर्चुअल मशीन को डिलीट यानी कि टर्मिनेट कर रहे हैं, तो क्या ये वॉल्यूम भी डिलीट हो जाए। सो अगर आप चाहते हो कि वर्चुअल मशीन के साथ ये वॉल्यूम भी मेरा डिलीट हो जाए, देन यू कैन जस्ट क्लिक दिस पॉइंट, द डिलीट ऑन टर्मिनेशन। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरी सिर्फ मशीन डिलीट हो, मेरा जो पार्टीशन है, जो मेरा वॉल्यूम है, वो डिलीट ना हो, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, इसको अनचेक कर देना। सो यहाँ पर मैं यही चीज बताने जा रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो हम ये वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये 30 GB का जो वॉल्यूम है, ये कंप्लीटली आपका एक सी ड्राइव बनता है। फाइन, सो ये होते हैं वॉल्यूम्स। अब आपको अगर डी ड्राइव चाहिए या ई ड्राइव चाहिए, सो यू कैन अटैच मल्टीपल वॉल्यूम्स।
यू कैन अटैच मल्टीपल वॉल्यूम्स, आप मल्टीपल वॉल्यूम्स अटैच कर सकते हो इसके साथ। तो लाइक सी ड्राइव, अब आपका कोई डेटा है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ डी ड्राइव के अंदर, एंड आपका और भी डेटा रखा हुआ है फॉर ई ड्राइव। अब सपोज करो द ई ड्राइव के अंदर द डेटा रखा है यूजर वन, यूजर वन का डेटा स्टोर इन सी ई ड्राइव एंड यूजर टू डेटा स्टोर इन डी ड्राइव, एंड यहाँ पर आपके कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं लाइक IIS सर्वर, MS ऑफिस, वो सारी चीज आपने इंस्टॉल करी हुई है। तो डेफिनेटली कि आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो आपके सी ड्राइव्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आप कोई डेटा रखेंगे तो या तो डेस्कटॉप पे जो डेटा है वो सी ड्राइव के अंदर होगा, और आपका डी ड्राइव का अलग डेटा है, लाइक आपने सॉन्ग्स मूवीज रख रखी हैं, वीडियोस रखी हुई हैं, या ई ड्राइव के अंदर आपने कोई अदर अपना टेक्स्ट डेटा, प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो सारी चीजें रखी हुई है। तो लुक लाइक इसी तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस सर, यस सर, राइट। सो यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं, देखिए ये एक मैं फिजिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, और यहां मैं एक बात कर रहा हूं वर्चुअल इंस्टेंस की। बिग डिफरेंस कि अगर आप चाहते हो कि आप इसके बेनिफिट्स क्या है, कि सपोज अब आप चाहते हो कि सी ड्राइव का जो डेटा है या ई ड्राइव का जो डेटा है वो आपके इस वाली वर्चुअल मशीन पर भी आ जाए, सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली यहां से इस हार्ड डिस्क को, इस वॉल्यूम को रिमूव करके आप इस वॉल्यूम को अटैच कर सकते हो अपनी इस वाली मशीन के साथ। आप इस वॉल्यूम को भी यहां से रिमूव करके यहां से इस मशीन के साथ अटैच कर सकते हो, और आप इस हार्ड डिस्क को भी रिमूव करके यहां पे इस मशीन के साथ भी अटैच कर सकते हो। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ वॉल्यूम्स, कि यहां पर इन वॉल्यूम्स का ये बेनिफिट है कि आपका जो ई ड्राइव का डेटा है वो सारा यहां पर सिस्टम पर आ जाएगा, डी ड्राइव का डेटा भी आपका आ जाएगा, और सी ड्राइव का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह है वो भी सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे विदाउट AMI। या आप ये चीज नहीं चाहते हो तो आपको सिनेरियो में कि आप इन तीनों का AMI भी क्रिएट कर सकते हो, फाइन। वो अलग मेथड है क्योंकि AMI का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम AMI सी ड्राइव्स के लिए ही करते हैं, या आपके जो भी मल्टीपल डेटाबेसेस आप बना रहे हो, अपने ड्राइव्स बना रहे हो, उनके लिए करते हैं। बट आप क्या है इंडिविजुअली वॉल्यूम्स भी बना सकते हो, लाइक डी ड्राइव के लिए आपने अलग वॉल्यूम बना दिया, ई ड्राइव के लिए अलग वॉल्यूम बना दिया, और डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स क्रिएट कर दिया, और आप उनको मल्टीपल मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। या आप ये जो सिनेरियो, ये हमारा फिजिकल मशीन वाला जो सिनेरियो है, आप चाहो तो आपकी जो एक फिजिकल मशीन है, जो आपकी एक वर्चुअल मशीन है, आप यहाँ पर एक हार्ड डिस्क लीजिए, बिग वन हार्ड डिस्क, लाइक मोर देन 30 GB, आपने 300 GB की हार्ड डिस्क यहाँ पर वॉल्यूम ले लिया एक, सो आप जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग वॉल्यूम्स अटैच करो। अगर आपने 300 GB का या मोर देन 30 GB का वॉल्यूम्स लिया है तो आप यहाँ पर भी अपने पार्टीशंस बना सकते हो, सिंगल वॉल्यूम के अंदर भी आप, सिंगल हार्ड डिस्क के अंदर भी आप मल्टीपल वॉल्यूम्स बना सकते हैं। गॉट इन माय पॉइंट्स? तो आप ये वाला सिनेरियो भी यहां पर कर सकते हो, और आप ये वाला सिनेरियो भी यहां पर कर सकते हो। तो चॉइस इज योर कि आप इस तरीके से अपना मशीन पर डेटा वो लगाना चाहते हैं, अपना डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप इस तरीके से अपना वॉल्यूम अटैच करना चाहते हैं कि हार्ड ड्राइव के लिए आप अलग अलग वॉल्यूम्स, अलग अलग हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं, या आप कॉमन हार्ड डिस्क में से ही खुद का स्पेसिंग करना चाहते हैं। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी ये हार्ड डिस्क क्रैश हुई तो आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। बट यहां पर एडवांटेज ये कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ड्राइव भी क्रैश होता है तो भी आपका डेटा कंप्लीटली क्या है, सेफ जोन में है। ऐसा नहीं, आप यहां पर भी मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा सकते हो, आप एक सिस्टम में भी एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव लग सकती है, बट कहीं ना कहीं कॉस्ट आ रही है यहाँ पर, फिजिकल कॉस्ट आ रही है। वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपसे शायद इंटरव्यू में पूछे या शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, आपने नाम सुना होगा गाइस, एक होता है पार्टीशंस और एक होता है वॉल्यूम्स, सुना है नाम? यस। व्हाट्स द डिफरेंस? पार्टीशंस एंड वॉल्यूम्स के अंदर क्या डिफरेंस है?
वॉल्यूम हो गया कितने हम जीबी ले सकते हैं, और पार्टीशन हो गया सर हम कितने ड्राइव बना सकते हैं। नहीं यार, सेम ही है। गलत मैं आपको सेम मेन कंसर्न बता देता हूं कि आपकी ये एक हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क दे आर दिस हार्ड डिस्क लाइक अ 500 GB। अब इस हार्ड डिस्क में से आपने एक पार्टीशन क्रिएट करा, यू आर क्रिएटिंग द 500 GB पार्टीशन। आपने सेम 500 GB पार्टीशन क्रिएट करा है। अब होता क्या है कि आपने ये पार्टीशन आपकी हार्ड डिस्क का है, 500 GB का है, आपने एक ड्राइव बना दिया डी ड्राइव, और ये ड्राइव अब क्या हो गया, फुल हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहते हैं मेरा ड्राइव तो फुल हो गया, मेरा स्पेस इंक्रीज करो, पॉसिबल है? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। यार वो तो अलग ड्राइव बन जाएगी ना, डी में ही करना है मेरे को। लुक लाइक आपके पेन ड्राइव फुल हो जाए, तो नो आप पेन ड्राइव का स्पेस इंक्रीज कर सकते हो, नो नो ना? सो दिस इज द पार्टीशंस। पार्टीशंस में एक फिक्स साइज रहता है कि मैक्सिमम मेरी जितनी भी हार्ड ड्राइव है, लाइक आपकी अगर एक 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो आप 1 TB का एक सिंगल पार्टीशन बना सकते हो क्या? 1 TB की हार्ड ड्राइव के अंदर आप 2 TB डेटा स्टोर कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, वो लेके आया गया था सैन स्टोरेज का, नेस का, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जिसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, जिसमें हमारे नेस बॉक्सेस लगते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक डिवाइस होता है, नेस बॉक्स होता है, देयर द एन नंबर्स ऑफ हार्ड डिस्क हम इसके अंदर अटैच करते हैं, देयर द एन नंबर्स ऑफ हार्ड डिस्क हम इसके अंदर अटैच करते हैं। लाइक इफ आई एम क्रिएटिंग कि 1 1 TV की मैंने यहाँ पर 3 हार्ड डिस्क अटैच करी, दैट मीन्स कि मेरे इस नेक्स्ट बॉक्स का जो साइज है वो कितना हो गया, 3000 GB। अब मैंने यहां से क्या करा, एक पार्टीशन क्रिएट करा, एंड दिस पार्टीशन स्पेस इज सिमिलर, GB। सो आप 30 30 GB आप मल्टीपल मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो आपको हर मशीन्स में हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत नहीं, आपके पास 300 GB डेटा है, आप चाहो तो 100 100 GB कितनी मशीनों को, 300 मशीन्स को आप दे सकते हो। ये तीन ही हार्ड डिस्क आप 300 मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो पर्टिकुलर डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है, जो कि हमारी पर्टिकुलर उस मशीन के साथ अटैच है, बट ये हमारे नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, जिनको आप किसी भी मशीन के साथ अटैच कर सकते हो, एज वेल एज कि अगर आपकी मशीन क्रैश होती है तो भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अब अगर आप यहां पर एक ही पार्टीशन बनाते हो 300 GB का, सॉरी 3000 GB का, और ये पार्टीशन फुल हो जाता है। अब आप रिक्वेस्ट करते हो कि यार मेरा जो पार्टीशन है वो फुल हो चुका है, बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कहते हो मुझे मेरा प्रीवियस डेटा भी चाहिए, मुझे नया पार्टीशन नहीं चाहिए, मुझे इसी का। सो हम क्या करेंगे, वी कैन बाय द हार्ड डिस्क एंड आई एम अटैच द वन मोर हार्ड डिस्क इन दिस नेस्ट बॉक्स। मैं यहां पर एक हार्ड डिस्क अटैच कराऊंगा 1 TB की, और देन इस पार्टीशन का जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर दूंगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वॉल्यूम्स, की वॉल्यूम्स के हम साइज को कम और ज्यादा सर्वर से बैठ के ही कर सकते हैं, लेकिन जब आप पार्टीशनिंग करते हैं तो पार्टीशंस का साइज आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट? तो क्लाउड के अंदर जो वॉल्यूम्स का सिस्टम्स है ना, तो बैकबोन में उन्होंने अपना सैन स्टोरेज बनाया हुआ है, जहां पर ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क लगाई हुई है, और सैन स्टोरेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेस बॉक्सेस। और ये नेस बॉक्सेस क्या होते हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूं गूगल पे। तो ये हमारे नेस बॉक्सेस होते हैं, जिसके अंदर बेस बॉक्सेस नहीं, नेस चाहिए था मुझे, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो ये हमारे स्टोरेज होते हैं जिनके अंदर ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क लगी रहती हैं। सो हमारे हार्ड डिस्क यहीं पर है, इन्हीं पर हमारा रेड कॉन्फिगर भी रहता है। तो ये हमारे डायरेक्ट नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है, और इन पर ही बनाए जाते हैं वॉल्यूम्स।
तो यहाँ पर आप देखिए एन नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हो अपने नेट बॉक्सेस में, ये रैक सिस्टम्स होते हैं और इनके अंदर हमारी हार्ड डिस्क लगाई जाती है। तो यही जो है स्टोरेज है, इसी को हम सैंड स्टोरेज भी बोलते हैं। अगर सैंड स्टोरेज की मैं बात करता हूँ तो यू कैन सर्च सैंड स्टोरेज इन इंटरनेट लाइक, तो सैंड का मतलब है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो सैंड स्टोरेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेस बॉक्सेस। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो ये सारे नेस बॉक्सेस हैं और सैंड बॉक्सेस, सैंड के अंदर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेस बॉक्सेस। तो सैंड स्टोरेज हमारा ग्रुप ऑफ नेस बॉक्सेस है जहां पर बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बने होते हैं और वहां पर काफी सारे नेस बॉक्सेस लगे होते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक डेटा सेंटर है। तो पूरा का पूरा जो भी डेटा सेंटर्स है वहां पे डेटा स्टोर करने के लिए हमारे जो नेस बॉक्सेस लगाए जाते हैं और देयर द मल्टीपल नेस बॉक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है सेन। तो यहाँ पर जो आपके वॉल्यूम्स, जो आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स मिल रहे हैं ना, जिसको आप इजीली प्लग एंड प्ले और रिमूव कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप एक हार्ड डिस्क को दूसरे सिस्टम में लगाते हो तो आपको ड्राइवर्स की कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। यस और नो, ड्राइवर्स के इश्यूज आते हैं ना कि वो उसके हार्ड ड्राइव या माउस के ड्राइवर या डिस्प्ले ड्राइवर या कोई ना कोई ड्राइवर्स के इश्यू आएंगे। अगर आप फिजिकल हार्ड डिस्क को, एचपी के हार्ड डिस्क को, अपने फिजिकल हार्ड ड्राइव को निकाल के दूसरे सिस्टम में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ड्राइवर्स के इश्यूज आते हैं। बट अगर आप नेटवर्क स्टोरेज को आप कहीं भी अटैच करते हैं तो आपको स्टेप्स के कोई भी इश्यूज आपके साथ नहीं आएंगे। दिस इज अ बिग डिफरेंस ऑफ फिजिकल और वॉल्यूम्स, दोनों के अंदर डिफरेंस है कि फिजिकल पार्टीशन और वॉल्यूम्स। तो अगर मैं फिजिकल पार्टीशन की बात करूं तो मैक्सिमम क्रिएट फोर प्राइमरी पार्टीशन, हम फोर प्राइमरी पार्टीशन ही बना सकते हैं। आप सिर्फ एक हार्ड डिस्क के अंदर चार ही प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। लाइक अगर आपकी एक हार्ड डिस्क है 500 GB की, या मैं कहता हूं आपकी एक हार्ड ड्राइव है 400 GB की, तो आपने अगर यहां पर 50-50 GB के चार पार्टीशन क्रिएट कर दिए, अगर आपने यहां पर 50-50 GB के चार पार्टीशन कर दिए, आपकी हार्ड ड्राइव कितनी है 400 GB, बट आपने यहां पर 50-50 के करे तो यहां पर 200 GB जो आपका फ्री बचा है अब, जो कि आपने कहीं यूज नहीं करा, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप चार प्राइमरी पार्टीशंस के अंदर ही आपको अपना सिस्टम्स के जो है डेटा, जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, या अदर ऑप्शंस है क्रिएट द वन एक्सटर्नल ड्राइव। आप एक एक्सटर्नल ड्राइव बना सकते हो, सॉरी एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल ड्राइव, और एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर यू कैन क्रिएट and inside the external drive you can create multiple logical drive. So multiple logical drives आप बना सकते हैं। You can see कि मैं right click करता हूँ and disk management पे जाता हूँ, जहाँ से आप अपने partitioning वगैरह कर सकते हो। So यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अनएलोकेटेड स्पेस मेरे को क्या है, ब्लैक कलर से अनएलोकेटेड स्पेस दिखता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे ये प्राइमरी पार्टीशन है, ये भी प्राइमरी पार्टीशन है, ये प्राइमरी पार्टीशन है, तो मैंने जो अपनी हार्ड डिस्क का स्पेस है वो टोटल सारे प्राइमरी पार्टीशन के अंदर यूटिलाइज करा हुआ है। मैक्सिमम मैं वन प्राइमरी पार्टीशन और क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को अनएलोकेटेड स्पेस चाहिए लाइक लॉजिकल ड्राइव बनाने, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से श्रिंक वॉल्यूम करता हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहां पर मैं एक 1 GB का स्पेस अपने ड्राइव से निकाल लेता हूं। तो ये देखिए अनएलोकेटेड स्पेस, और अनएलोकेटेड स्पेस में मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहां पर अब वॉल्यूम्स के ऑप्शंस रहेंगे। तो ये पूरा एक बन जाएगा और इसके अंदर मेरा, तो यहां पर ये देखिए द ग्रीन कलर का जो ऑप्शन आ रहा है आपका गाइस, ग्रीन कलर का जो ऑप्शन आ रहा है, दिस इज द एक्सटेंडेड पार्टीशंस। फाइन, दिस इज द एक्सटेंडेड पार्टीशंस, और एक्सटेंडेड पार्टीशंस के अंदर यू कैन सी कि मेरा एक जो डार्क ब्लू कलर आ रहा है, लाइट ब्लू कलर, वो एक लॉजिकल ड्राइव बन चुका है। और अगर मैं इस लॉजिकल ड्राइव को डिलीट कर दूंगा तो आप देखिए मेरे पास एक ग्रीन कलर आ गया है,
ठीक है ना, जो कि मेरा फ्री स्पेस है इनसाइड द एक्सटेंडेड पार्टीशंस। तो या तो आप चार प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो, या आप वन एक्सटेंडेड पार्टीशन, इनसाइड द एक्सटेंडेड पार्टीशन यू कैन क्रिएट द मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव। बट वॉल्यूम्स के लिए आपके यहां पर देखिए बेसिक डिस्क है, सो वॉल्यूम्स के अंदर आपका रेड मिररिंग ये सारी चीजें होती है। सो मैं इसको डिलीट, यहां पर देखिए न्यू सिंपल वॉल्यूम, स्पैन वॉल्यूम, मिररिंग, रेड, रेड 5, रेड 6 भी अब आ चुका है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मैं आपको इतना डीपली नहीं लेके जाऊंगा। तो सिंपली सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि द पार्टीशंस और वॉल्यूम्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और यहाँ पर वॉल्यूम्स ही क्यों बनाने के लिए दिए गए, पार्टीशनिंग क्यों नहीं दिए। तो ये वॉल्यूम्स इसलिए उन्होंने नाम यहाँ पे रखा है कि ये एक सेंस स्टोरेज है, नेटवर्क स्टोरेज है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी अपना स्पेस को कम या अपने स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? हेलो, can you I lost the connection at the end, can you repeat it once again a little bit and summarize it? Okay, I am asking to you कि सिंपल सा कि हमारा जो वॉल्यूम बोला गया है, तो सिंपल सा है, वॉल्यूम्स का मतलब है कि आपके जो वॉल्यूम्स हैं, आप वॉल्यूम्स को किसी की सिस्टम्स के साथ अटैच कर सकते हो कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है वो अदर सिस्टम पर मूव हो जाएगा। फाइन, अगर आपका सिस्टम क्रैश भी होता है किसी भी रीजन से, कि आपका सिस्टम भी क्रैश होता है, तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा है वो आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम पर स्टोर नहीं है। क्योंकि वो जो डेटा है, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी हार्ड डिस्क पर्टिकुलर किसी सिस्टम के साथ अटैच हो रखी है, अगर मेरे सिस्टम भी क्रैश होता है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से मेरा सिस्टम क्रैश भी होता है, अगर आपका लैपटॉप क्रैश होता है तो आपका डेटा लॉस हो जाता है ना, यस और नो? यस। बट यहाँ अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि डेटा आपके सिस्टम पर है ही नहीं, डेटा आपके सिस्टम पे सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। आपका जो डेटा है वो डिस्प्ले कर रहा है सिस्टम पर, बट वो स्टोर कहाँ पर है? वो स्टोर है पर्टिकुलर सेंस स्टोरेज नेटवर्क नेस बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ डेटा। और यहाँ पर भी मल्टीपल नेस बॉक्सेस हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के बैकअप है। अगर आप रेड पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन रेड 5 पढ़ेंगे या रेड 6 पढ़ेंगे, तो आपको ये भी नहीं पता, अगर आपकी एक हार्ड डिस्क यहाँ से कोई खराब भी हो जाती है, दो भी खराब हो जाती है, तो भी आपका डेटा लॉस नहीं है। क्योंकि ये आप ये नेस बॉक्सेस उस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं कि आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ बैकअप में है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग जब हम करते हैं तब ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो तभी हम उसी तरीके से ये डिप्लॉय करते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे। तो हम आ जाते हैं बैक टू पवेलियन। सो अभी का जो हमारा प्रैक्टिकल लैब है वो क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक इंस्टेंस बना रहे हैं, इंस्टेंस का अंदर हम एक डेटा रखेंगे अपना, फाइन। तो ये सपोज करो ये इंस्टेंस की वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम के अंदर हम कोई डेटा स्टोर करेंगे, एंड डेटा स्टोर करने के बाद हम इसकी क्रिएट करेंगे। एक तो ये मेरा वॉल्यूम है, मैं नाम भी दे देता हूं इसको, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, हम इसकी एक AMI क्रिएट करेंगे, द क्रिएट वन AMI, एंड जैसे हम AMI करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्नैपशॉट भी क्रिएट हो जाएगा, द क्रिएट वन मोर स्नैपशॉट। तो यहां पर एक स्नैपशॉट भी आपका क्रिएट हो जाएगा, और जब आपका स्नैपशॉट क्रिएट होगा और AMI जब आपकी दोनों चीजें क्रिएट होंगी यहां पर, तो जो भी डेटा है वो आपका डेटा AMI के अंदर भी स्टोर हो जाएगा और स्नैपशॉट के अंदर। और अगर हमने इस पर डेटा के साथ साथ ये अगर हमारा सी ड्राइव है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विद डेटा। सेम एज यहाँ पर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विद डेटा, यानी कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर भी डाले हैं वो भी साथ में डेटा भी। अब हमारा कंसर्न क्या होगा कि कल हमने यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी, सो वी हैव क्रिएटिंग द वन वर्चुअल मशीन, क्रिएट न्यू इंस्टेंस,
AMI. तो कल हमने एक इंस्टेंस अटैच कर क्रिएट करा था, जो कि हमने किसके थ्रू बनाया था, AMI के थ्रू हमने बनाया था. सो हम यहाँ पर इंस्टेंस ही क्रिएट कर सकते हैं वाया इस AMI के अंदर. तो जब हम AMI के थ्रू हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो होगा क्या, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर था वही ऑपरेटिंग सिस्टम इस वाली मशीन पर आ जाएगा, एंड वो सारा का सारा डेटा भी इस पर आ जाएगा. बट अगर हमें स्नैपशॉट करना है, अगर हम चाहते हैं कि चलो हमारा ये वाला प्रोसेस हम ये नहीं चाहते, AMI वाला प्रोसेस नहीं चाहते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि स्नैपशॉट से सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा वॉल्यूम. यू कैन क्रिएट द वॉल्यूम. आपको स्नैपशॉट से क्या क्रिएट करना पड़ेगा, वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा. तो क्रिएट वॉल्यूम वाया स्नैपशॉट. सो हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, एक क्रिएट करेंगे इंस्टेंस क्रिएट इंस्टेंस एंड अटैच वॉल्यूम्स विद दिस इंस्टेंस. और हम क्या करेंगे कि जो हमने वॉल्यूम बनाया है वो वॉल्यूम्स हम किसके साथ अटैच करेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे. तो यहां पर भी सेम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा एंड वो डेटा आ जाएगा. गॉट इन माई पॉइंट. सो कल जो हमने करा था, कल हमने ऊपर वाला प्रोसेस करा था कि AMI के थ्रू हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी. आज का हमारा है कि हम सेम डेटा चाहते हैं, बट वो डेटा हम किसके थ्रू चाहते हैं, वाया स्नैपशॉट. हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, देन हम एक वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे. क्लियर है गाइस, सिनेरियो को समझे हम क्या करने जा रहे हैं अब. यस दीपरात तरनदीप के साथ सर जी. फाइन. अब एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या, कि सपोज करो कि आपका जो स्नैपशॉट है, ये जो वॉल्यूम, अगर आपने डेटा सेंटर AP-South-1A के अंदर बनाया है, तो आपको ये मशीन भी आपको सेम ही एबिलिटी जोन के अंदर बनानी पड़ेगी. यानी कि जो वॉल्यूम आप क्रिएट करेंगे और जो मशीन आप क्रिएट करेंगे बहुत ज्यादा बिलोंग्स टू सेम एबिलिटी जोन, सेम डेटा सेंटर्स के अंदर ही आनी चाहिए. तो जब आप स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किस एबिलिटी जोन, किस डेटा सेंटर के अंदर ये वॉल्यूम डिप्लॉय करना चाहते हो. तो अगर आपने यहाँ पर बी सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर ए पर मशीन बनाई, तो ये वॉल्यूम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा. तो ये दोनों सेम ही एबिलिटी जोन के अंदर होने चाहिए. वन मोर थिंग, कि जब आप इस वर्चुअल मशीन को बनाओगे, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे, तो बाय डिफॉल्ट जब आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो आपके इंस्टेंस के साथ ऑलरेडी 30 GB की एक हार्ड ड्राइव अटैच्ड होगी. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस हार्ड ड्राइव को रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद देन हमें क्या करनी है, इस वाली हार्ड ड्राइव को अटैच करना है. क्योंकि हार्ड डिस्क पहले क्या है, एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव को रिमूव करना पड़ेगा और देन जो हमारी डेटा वाली हार्ड ड्राइव है उसको अटैच. लाइक सिंपल सा है कि आपके लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क ऑलरेडी है, सो आपको पहले आपको नई हार्ड डिस्क लगानी है, तो पहले आपको पुरानी वाली हार्ड डिस्क को हटाना पड़ेगा लैपटॉप से, तभी तो आप नई हार्ड डिस्क उस जगह लगाओगे. गॉट इन माई पॉइंट. सो स्टार्ट करें, प्रैक्टिकल स्टार्ट करें. तो ये वाला जो ट्रैक है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल, तो मैं इसको अभी रिपीट नहीं करूंगा. अभी जो हमारा ट्रैक है जो हमें कवर करना है वो हमारा ये वाला ट्रैक है. फाइन. सो हम ऑलरेडी लॉग इन है, तो यहाँ पर हमने बताइए. सर जैसे सपोज अगर हम कोई भी सर्वर या कोई भी अपना डेटा बनाते हैं तो क्लाउड पर, तो उसमें होता क्या है कि पहले AMI बनती फिर उसकी स्नैपशॉट बनती है, देन स्नैपशॉट का वॉल्यूम बनाने का क्या नीड पड़ी है, मतलब क्या नीड है आगे. यार स्नैपशॉट बैकअप है, तो बैक
एक्चुअली क्या स्नैपशॉट एक बैकअप है। अब आपको यही बैकअप 10 सिस्टम्स के अंदर अटैच करना है, तो आप 10th वॉल्यूम बनाओगे और हर सिस्टम के साथ एक एक वॉल्यूम अटैच कर दोगे, क्योंकि आपके पास हार्ड डिस्क अटैच होती है ना, बैकअप थोड़ी ना। यस। दूसरा, आप एएमआई से जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट स्नैपशॉट भी ले सकते हो। एएमआई तो तब है जब आपको विद मिरर कॉपी चाहिए हो, लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे सी ड्राइव नहीं, मुझे तो सिर्फ डी ड्राइव का डेटा कॉपी करना है, लाइक अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि मेरे को तो सिर्फ सर डी ड्राइव का डेटा चाहिए, सिर्फ डी ड्राइव, सो इस सिनेरियो में आप एएमआई नहीं बनाओगे। एएमआई तभी बनेगी जब आप इंटायर सिस्टम्स की कॉपी करना चाहते हो मिररिंग। अगर आप पर्टिकुलर ई ड्राइव का डेटा लेना चाहते हो या डी ड्राइव का डेटा लेना चाहते हो, तो आपको स्नैपशॉट क्रिएट करने पड़ेंगे। सिलेक्टेड डेटा, ओके गॉट इट। बेसिकली ये ड्राइव शेयरिंग के लिए बनाते हैं हम, कि हम अलग अलग 10 यूजर्स को हम ये ड्राइव शेयर करना चाहते हैं, वो सिनेरियो है। हाँ, आप सिस्टम्स के साथ मल्टीपल ड्राइव, या सिंपल सा आपका डेटा है यार, आपका डेटा रखा हुआ है पेन ड्राइव में, डेटा रखा रहता है ना, इसी तरीके से जब आप बैकअप लोगे तो बैकअप किसी हार्ड डिस्क के अंदर तो स्टोर होगा ना। अब आप कहते हो यार ये डेटा मेरे को रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने के लिए कि पहले आपको उस स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, देन वो वॉल्यूम आपको अटैच करना पड़ेगा, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग। नहीं समझे? रिस्टोर का मतलब क्या होता है कि आपका बैकअप पड़ा हुआ है यहां पर और आपको बैकअप लगाना है इस सिस्टम के अंदर, तो पहले आप इस बैकअप से क्या करोगे, एक वॉल्यूम बनाओगे और देन उस वॉल्यूम को अटैच करोगे अपनी पर्टिकुलर इस मशीन के साथ, तब जाके आपका डेटा रिस्टोर होगा, अदरवाइज यहाँ पर इस डेटा को कोई रीड नहीं कर सकता है। डेटा रीड कब होगा? जब वो वॉल्यूम में कन्वर्ट होके मशीन के साथ अटैच होगा। ओके तरनदीप, तरनदीप गॉट इट माय पॉइंट? But then means जो हमने कल केसेस करे थे, that was just a way for creating a backup. ये restoring backup है, isn't it? जी, कल जो हमने करा था वो AMI पढ़ा था, हमने complete cloning करी थी। हाँ, complete cloning करके and इसका backup लेना सीखा था। But if I अगर सब कुछ crash कर जाए और मुझे उस backup से restore करना पड़े, a clone भी crash कर जाए, ये process है। This is the process. This is the process. ठीक है। Fine. So, but problem क्या है कि वहां पर जो हमने क्लोनिंग करी थी वो विद ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था, लेकिन जब अगर आप स्नैपशॉट करते हो तो उसके पास ऑप्शनल है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। आपके पास 3 हार्ड डिस्क हैं, एक हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2, हार्ड डिस्क 3, तो जब आप क्लोनिंग करते हो तो क्लोनिंग में आप तीनों हार्ड डिस्क एक साथ ले सकते हो विद ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जब हम अपना इंटरनेट पे वेब सर्वर्स पे जाते हैं ना, तो हमें मिरर सर्वर चाहिए होते हैं जितने भी है, कि अगर हमारे गूगल का एक सर्वर फेल होता है तो हमारे रिक्वेस्ट सेकंड पे जाएगी, तो पहले सर्वर की मिररिंग होनी चाहिए। तो हमारा काम काफी फास्ट हो, इसलिए हम AMI बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं और क्लोनिंग से मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय कर देते हैं। बट अगर आपको पर्टिकुलर सिस्टम का कस्टम डेटा लेना हो, मैनुअली डेटा आप लेना चाहते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ डी ड्राइव का ही डेटा लेना चाहता हूँ, तो उस समय आप AMI यूज नहीं करोगे, उस समय यू आर यूजिंग द स्नैपशॉट। ओके तरनदीप, ओके देवव्रत, क्लियर हो रहा है गाइस? फाइन, सो स्टार्ट करते हैं लैब। सो क्योंकि फिर सबके ऑफिस का टाइम आया, तो यहाँ मैं एक पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि एबिलिटी जोन के अंदर मैं एक के अंदर ही एबिलिटी जोन के अंदर एक नॉर्मली वर्चुअल मशीन बना देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, लाइक VM1 नाम दे देता, एंड देन कॉन्फिगर सिक्योरिटी ग्रुप एंड RDP प्रोटोकॉल्स एज वेल एज आई एम जस्ट सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप and review and then launch and I'm create the existing key windows key 1 aur ye filhal maine ek virtual machine bana ke rakh diya hai. So ab aap yahan par dekhiye hamari ek virtual machine hai VM1 ki agar main property dekhta hu
वीएम वन जो कहां पर बनी हुई है, एपी साउथ वन ए के अंदर है, और वीएम वन की जो हार्ड डिस्क है वो ये है /dev/sda1. सो दिस इज अ हार्ड डिस्क रूट डिवाइस जो है, दिस इज अ हार्ड ड्राइव ऑफ दिस मशीन. सो इस मशीन की ये हार्ड ड्राइव है, और हमने कल एक AMI बनाई थी, तो AMI तो मैंने डी रजिस्टर्ड कर दी थी, तो हमारी AMI नहीं है, बट उसका स्नैपशॉट बना हुआ था. तो यहाँ पर देखिए माई वेब वन, और यहाँ पर ये क्या है, मेरा स्नैपशॉट बना हुआ है कल वाला 30 GB, यानी कि कल जो हमने एक वेबसाइट बनाई थी जिसको शायद आपने कुलप्रीत आपने अपडेट भी करा था, वो वेबसाइट भी ऑलरेडी इसी स्नैपशॉट के अंदर सारी चीज पड़ी हुई है. अब हम चाहते हैं कि इसी वेब सर्वर को हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, बट हमारे पास सिर्फ इसका बैकअप है और कुछ नहीं है हमारे पास. हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है और हम बैकअप से ही इसी वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहते हैं नेटवर्क के अंदर. सो अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स के अंदर मेरा अभी सिर्फ दो ही वॉल्यूम्स आ रहे होंगे, जो मेरी दो वर्चुअल मशीन्स बनी हुई है वो नहीं, दो वर्चुअल मशीन्स के वॉल्यूम्स हैं, एक VM1 जो मैंने अभी बनाई है AP-South1A के अंदर, और एक मेरा ADDS सर्वर जो पहले से बना हुआ है उसका वॉल्यूम. सो ये दो वॉल्यूम्स मेरे बने हुए हैं दोनों मशीन के, क्योंकि यहाँ पर मेरी दो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रखी है, दो इंस्टेंसेज क्रिएट हो रखे हैं, तो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे दो इंस्टेंसेज हैं, तो दोनों इंस्टेंसेज के दो वॉल्यूम्स हैं. अब मेरे को एक और वॉल्यूम बनाना है, सो आई एम जस्ट क्लिक द स्नैपशॉट, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम्स, सो क्लिक द स्नैपशॉट, देन सिलेक्ट द स्नैपशॉट, जिस भी स्नैपशॉट का वॉल्यूम बनाना चाहते हो सिलेक्ट द स्नैपशॉट, देन एक्शन एंड क्रिएट वॉल्यूम, एक्शन में जाके देन क्रिएट वॉल्यूम एंड गिव द वॉल्यूम कि आप वॉल्यूम कहां पर बनाना चाहते हो. सो साइज यहाँ पर मैंने आपको बताई दिया था, वही 30 GB का साइज हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट वाला जो वॉल्यूम है वो 30 GB का बना हुआ है. एबिलिटी जोन ए, तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम आपको किस जोन में बनाना है, उसी जोन में आपको अपना इंस्टेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा. सो आई थिंक सो मैंने ए में इंस्टेंस क्रिएट कराया, तो मैं अपना जो वॉल्यूम है वो ए में ही बना रहा हूँ, तभी वो क्या होगा, फेच होगा. देन टैग, टैग के अंदर मैंने ऑलवेज आपको बताया था गिव द नेम, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक का WEB Web SERVER-VOL1. So, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया वेब सर्वर वॉल्यूम वन एंड देन क्रिएट वॉल्यूम, देन क्लोज. सो अब देखिए ये स्नैपशॉट एक ही है, लेकिन जो वॉल्यूम बना है वो वॉल्यूम हमें कहाँ डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले इन वॉल्यूम टैब. सो हम क्लिक एंड टाइप एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा ये वॉल्यूम वन हमें दिखना स्टार्ट हो गया वेब सर्वर के नाम से. अब थ्री वॉल्यूम्स हो गए हैं, बट तीनों वॉल्यूम्स के अंदर द डिफरेंस डिफरेंस इज दिस कि द तीनों वॉल्यूम्स, तीनों मशीन मेरी एबिलिटी जोन ए के अंदर है, बट दो वॉल्यूम्स मेरे इन यूज हो रहे हैं, यानी कि वो ऑलरेडी पर्टिकुलर मशीन के साथ अटैच्ड हैं, बट ये एक वॉल्यूम है जिसको मैंने किसी मशीन के साथ अटैच नहीं करा, और इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अवेलेबल आ रहा है, और अटैच इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोई भी AMI यानी कि किसी भी मशीन्स की इंस्टेंस की आईडी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है. सो ये हमने क्या करा है, स्नैपशॉट के थ्रू एक वॉल्यूम क्रिएट करा है. एंड देन अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, द टास्क इज नेक्स्ट कि हम अब अपने इस वॉल्यूम को अटैच करना चाहते हैं VM1 के साथ. तो होगा क्या कि पहले हमें VM1 का जो वॉल्यूम है उसको डिटैच यानी कि रिमूव करना पड़ेगा, देन वी कैन अटैच द वेब सर्वर वॉल्यूम. फाइन, गॉट इट माय पॉइंट गाइस? Okay, sir. Kulpit, got it? Debrat, Tarandeep? Yes, sir. Yes. Why do we have to, अगर हमें VM1 से अगर attach करना है और उसमें कुछ existing है, तो हमें इसलिए उसको remove करना पड़ा, otherwise we can just, reason क्या है उसको remove करने? इसका reason ये है, क्योंकि VM1 पर हमारा कोई अभी web server नहीं बना हुआ है. अच्छा. क्योंकि हमारे volume जो 1 है, जो हमारा वेब सर्वर का है, इसके अंदर हमारी वेबसाइट भी कॉन्फ़िगर हो रखी है, और वेबसाइट जो हमने कॉन्फ़िगर करी थी तो हमने IIS सर्वर भी इंस्टॉल करा था जो कि सी ड्राइव के अंदर था, वेब पेज भी करा था जो कि सी ड्राइव के अंदर था. अब मैं चाहूं तो इस वॉल्यूम को डायरेक्ट विदाउट रिमूव करे भी अटैच कर सकता हूं, बट जब मैं रिमूव करे अटैच करूंगा तो इस वॉल्यूम का ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करेगा, यानी कि इस वॉल्यूम का कुछ भी चीज आपको डिस्प्ले नहीं होगी. आपने जो वेबसाइट बनाई है वो रन नहीं होगी, बट आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट वगैरह सारी चीज रन हो. सो आपको क्या है कि विद ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस वाले वॉल्यूम में हो जाएगा और वेबसाइट आपके इस वाले वॉल्यूम में, तो दोनों डिफरेंट वॉल्यूम्स में हो जाएंगी.
इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको अटैच कर दूंगा तो मेरे जो इसके अंदर डेटा है और वेबसाइट है वो सारी की सारी इसी मशीन पर रन हो जाएंगी। बाकी वो मैं डेटा वाला भी आपको कराऊंगा, डोंट वरी, वो भी मैं कराऊंगा, पहले आप ये वाला समझ लो। सो वो मैं फिर वॉल्यूम अटैच करके देन स्नैपशॉट लूंगा खाली, वो सेकंड प्रोसेस होगा हमारा, नेक्स्ट लेवल होगा। तो यहाँ पर अगर मेरे को वॉल्यूम्स को रिमूव करना है तो सबसे पहले गाइस मेरे को जाना पड़ेगा इंस्टेंस पे। अगर आपको अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकालनी हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको अपने, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है एवरीवन? आई एम ऑडिबल, क्लियर ऑडिबल है? कल्पित, आई एम ऑडिबल? यस। तरनदीप, आपके एंड पे मे बी नेट प्रॉब्लम हो। तो एवरीवन यू कैन सी कि अगर हमें कभी भी किसी भी मशीन के हार्ड डिस्क को रिमूव करना हो, लाइक आपको अगर आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क को रिमूव करना होगा तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को शट डाउन करोगे। इसी तरीके से अगर मुझे इस सिस्टम की हार्ड डिस्क को रिमूव करना है तो सबसे पहले मैं इस VM1 को स्टॉप करूंगा। तो जस्ट आई एम स्टॉप, देन जब मैं VM1 को स्टॉप कर दूंगा देन क्लिक ऑन रूट डिवाइस स्लैश देव स्लैश SDA1। देन मैं यहां पर इस ड्राइव पर जो हार्ड डिस्क मेरी अटैच हो रखी है प्रॉपर्टी के अंदर जो हार्ड डिस्क अटैच हो रखी है, देन आई एम क्लिक द स्लैश देव स्लैश SDA1। देन क्लिक करने के बाद देन EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो इस वॉल्यूम को जो नेम बोलते हैं हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज करते हैं, तो EBS ID है, देन क्लिक ऑन EBS ID, देन यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे को VM1 का वॉल्यूम डिस्प्ले हो रहा है, ओनली VM1 का वॉल्यूम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर गाइस। सो VM1 का वॉल्यूम आई एम सिलेक्ट दिस VM1 एक्शन एंड डिटैच वॉल्यूम एंड यस डिटैच। और मैंने क्या करा, इस वॉल्यूम को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद इफ यू कैन सी कि ये VM1 मेरा रिमूव हो गया, मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूं तो आप देखोगे कि रूट के वाले ऑप्शन पे अब आपको कुछ भी चीज डिस्प्ले नहीं होगी, इट्स शोइंग ब्लैंक। तो यहां से आपकी हार्ड डिस्क क्या हो गई, रिमूव हो गई। आप देखिए ADDS पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ADDS वाले सर्वर की हार्ड डिस्क दिखेगी आपको, यू कैन सो ए डिस्प्ले, बट मैंने क्या VM1 की हार्ड ड्राइव को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। गॉट माय पॉइंट? यस। अब मेरे को क्या करना है कि जो वॉल्यूम्स मैंने स्नैपशॉट के थ्रू बनाया था, जो कि मैं यहां पर बता रहा था कि जो वॉल्यूम मैंने स्नैपशॉट के थ्रू बनाया था उस वॉल्यूम को मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या करा है, मैंने ये वाला जो वॉल्यूम इसके साथ था इसको तो मैंने रिमूव कर दिया, इसको तो मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अब ये जो स्नैपशॉट के थ्रू मैंने वॉल्यूम बनाया इस वॉल्यूम को मैं इस वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करने वाला हूं। सो हाउ टू अटैच, सिंपल सा, आई एम गो टू वॉल्यूम्स टैब, सो क्लिक ऑन वॉल्यूम्स। तो यहां पर देखिए VM1 का भी जो वॉल्यूम है वो भी अब अवेलेबल हो गया होगा इन यूज की जगह, क्योंकि मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है। सो मुझे कौन सा वॉल्यूम अटैच करना है, ये वाला। तो सिलेक्ट द वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम है आपको अटैच करना है, एंड सिलेक्ट द वेब सर्वर वॉल्यूम, देन क्लिक ऑन एक्शंस एंड अटैच वॉल्यूम्स एंड सिलेक्ट द इंस्टेंस। तो VM1 देखिए मेरा इंस्टेंस आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब मेरा वॉल्यूम्स भी एबिलिटी जोन 1A के अंदर है और मेरा जो VM है वो भी मेरे एबिलिटी जोन 1A सॉरी एबिलिटी जोन A के अंदर है, तो इसलिए दोनों चीज यहां पर डिस्प्ले हो रही है। एंड गिव द नेम, तो सेम नेम ही देना है आपको जो वहां पर था, स्लैश देव स्लैश SDA1, दिस इज द लोकेशन ऑफ हार्ड डिस्क। तो देव स्लैश SDA1 आ रहा है, दैट मींस कि बैकबोन में जो स्टोरेज है वो लिनक्स पे डिप्लॉय हो रखा है। तो देव और ये हार्ड डिस्क A, B, 2, C, तो ये सारे के सारे आपका जो है लिनक्स बेस्ड पे है, तो बैकबोन में जो स्टोरेज है वो लिनक्स बेस्ड है इनका, तो ये विंडोज में कभी ये नहीं आते। तो स्लैश देव स्लैश SDA1 मैंने करा और देन अटैच। तो यहां पर देखिए क्या Volume 1 के आगे क्या लिखा गया है, इन यूज, और
आईडी भी आ गया है, देन अब आई एम जस्ट क्लिक द इंस्टेंस और मैं इस इंस्टेंस को स्टार्ट करता हूं। एंड प्लीज नोट डाउन दिस आईपी एड्रेस एंड चेक कि क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको कोई भी आईपी नहीं दिख रहा है, पब्लिक प्राइवेट आईपी तो दिख रहा है बट पब्लिक आईपी तभी आपके पास आएगा जब आपकी मशीन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो यू कैन सी कि दिस इज अ पब्लिक आईपी, तो प्लीज नोट डाउन दिस पब्लिक आईपी 13.127.69.224 एंड ट्राई आफ्टर 2 मिनट्स। एंड अगर कोई भी अगर लैपटॉप का रहा तो प्लीज इस सिस्टम को लॉग इन करके बताइए क्या आपका प्रीवियस डेटा आ रहा है या मैं ही लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पर, डोंट वरी। I am also on laptop. I'll also try. Yeah, so you first of all try की website आपकी open हो रही है या नहीं हो रही, and then इसको login करिए, same username है जो कल था, same password है जो कल था। कुछ भी चीज मैंने इस मशीन के अंदर आज ना ही मैंने कोई IIS server install कराया, ना ही कोई मैंने web page बनाया, ना ही मैंने कोई folders बनाए हैं, सिर्फ मैंने एक new VM1 बनाई है, but existing data को मैंने इस पर restore कर दिया है। सेम वेबसाइट है, वेलकम टू माय इंडिया आ रहा है। सो हम मैं भी चेक कर लेता हूं। सो गाइस देखिए मैंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई बट देखिए वो ही वेबसाइट मेरी ओपन हो रही है। देन आप इसको रिमोट डेस्कटॉप से लाइक अगर मैं यहां पे जाता हूं, फर्स्ट पहले मैं लॉगिन कर लेके आपको दिखा देता हूं जिससे कि वीडियो के अंदर भी हमारे आ जाए। एंड कंट्रोल वी देन कनेक्ट, सो द सेम यूजर ADMINIS TRATOR So, देखिए जो कल फोल्डर्स हमने बनाए थे यहाँ पर डेटा वन डेटा टू एंड फाइल हेलो नाम से, सो यू कैन सी कि वो सारा डेटा भी हमारा डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होगा। फाइन, सो डेटा वन डेटा टू एंड हेलो नाम की फाइल्स भी आपको डिस्प्ले हो रही है। सो मैंने इस मशीन पे कुछ नहीं बताया था क्योंकि हमने जो भी बनाया था वो हमने कल एग्जिस्टिंग वाली AMI के अंदर बनाया था और मैंने AMI को भी डिलीट कर दिया था और सारी चीज को मैंने डिलीट कर दिया था। गाइस क्लियर है? सो किस तरीके से आप AMI से वॉल्यूम क्रिएट कर स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करोगे और किस तरीके से आप वॉल्यूम अटैच करोगे। What about Sadar? Guys, Sadar, भी तो reply दीजिए। Tarandeep, Debrat. Yes, sir. Tarandeep, clear है? Clear. Fine. वन मोर थिंग, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए मेरे पास ये सेकेंड वेब सर्वर है, मैं VM1 जो है मेरा एक ये वेब सर्वर है एंड सेकेंड ADDS है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इस वाले सिस्टम को VM1 से मैं इसको रिमूव कर देता हूं हार्ड डिस्क को। तो सिंपल सा है कि हार्ड डिस्क को मेरे को अगर रिमूव करना है तो वही वॉल्यूम पे गया, तो पहले से पहले मेरे को ये वाला वॉल्यूम क्योंकि VM1 पे काम कर रहा है अब डिटैच वॉल्यूम। यस, सो एरर डिटैचिंग क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो इंस्टेंस है वो क्या है रनिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने इंस्टेंस को रिमूव करते हैं। स्टॉप, एंड मेरा एक ADDS वाला भी है, सो जस्ट आई एम क्लिक ऑन इंस्टेंसेस वॉल्यूम, मेरे के ADDS वाला सर्वर है। सो मैं क्या करता हूं ADDS वाला जो वॉल्यूम है उसको डिटैच कर देता हूं। सो आप चाहे तो जरूरी नहीं है EBS पे, आप यहां से भी अपना वॉल्यूम डिटैच कर सकते हो, तो वहां पे सिर्फ आपको पर्टिकुलर इसी मशीन का ही वॉल्यूम दिखेगा।
और मैं वेब सर्वर जो मैंने वॉल्यूम्स क्रिएट करा था इसको भी डिटेच कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि वेब सर्वर वाले वॉल्यूम्स को किसके साथ अटैच करूंगा, एडीडीएस सर्वर के साथ अटैच कर दूंगा। तो ये मेरे ऊपर है ना किसी भी सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल 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 आ रहा है, कोई भी वॉल्यूम अटैच नहीं है किसी भी मशीन के साथ, यानी कि मैंने जितने भी इंस्टेंसेस किए थे सबकी हार्ड डिस्क रिमूव कर रखी है। तो अब आप इंस्टेंस ऑन भी करोगे ना तो भी आपको वो आप एरर देंगे, क्योंकि मैंने क्या कर लिया है, हार्ड डिस्क रिमूव कर लिया है। तो अगर मैं वीएम वन को अगर आप मैं स्टार्ट करने भी जाता हूँ तो एरर क्यों, क्योंकि मैंने इनकी हार्ड डिस्क रिमूव करी हुई है। और जब हार्ड डिस्क रिमूव करी हुई तो डेफिनेट है कि उसके अंदर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, तो वो मशीन मेरे को एरर देगी ही देगी। सेम ये मशीन भी मेरे को एरर देगी देगी, क्योंकि मैंने इसकी भी हार्ड डिस्क क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। बट अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने वेब सर्वर बनाया था वो मैंने वीएम के साथ अटैच करा था, मैं एडीडीएस वाले सर्वर के साथ अटैच कर देता हूँ। सो जस्ट गो टू वॉल्यूम्स एंड सिलेक्ट वॉल्यूम एक्शन, देन अटैच वॉल्यूम एंड गिव द सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन एडीडीएस सर्वर एंड गिव द नेम और इस बार मैंने जो वॉल्यूम अटैच करा है वो वेब सर्वर के साथ। तो यहाँ पर देखिए इन यूज में आ गया, ये बाकी सब अवेलेबल डिस्प्ले हो रहे हैं, बाकी ये इन यूज में, और ये आपकी उसके अटैच वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम की आईडी आ गई, आपके इंस्टेंस की आईडी आ गई है। एंड अब मैं अगर इस एडीडीएस वाले सर्वर को स्टार्ट करता हूँ तो आप देखिए अब ये कोई भी एरर नहीं देगा और आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। पर एक चीज ध्यान रख लेना गाइस, अगर आपने लाइनस की मशीन अटैच करी है, लाइनस की विंडोज इंस्टॉल करी है, यानी कि लाइनस का विंडोज अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के मशीन के साथ अटैच करेंगे तो वो अटैच नहीं होगा। तो लाइनस का वॉल्यूम लाइनस की मशीन के साथ अटैच हो सकता है और विंडोज का इंस्टेंस विंडोज की मशीन के साथ ही अटैच और डिटैच हो सकता है। लेकिन अगर आप लाइनस का वॉल्यूम अगर आप विंडोज के साथ अटैच करेंगे ओएस वाला तो वो अटैच नहीं होगा। तो ये देखिए ये आईपी है 3.6.93.126 और प्लीज ट्राई कि आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। एडीडीएस के साथ मैंने अटैच कर दिया था, आप बताइए क्या आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। वेलकम टू माय इंडिया। परफेक्टली, क्योंकि देखिए समझ में आ रहा है कि मैं वॉल्यूम्स के बेनिफिट क्या है कि किसी, यहाँ पे देखिए वेलकम टू माय इंडिया ओपन हो गया कि मैं किसी भी मशीन के साथ अटैच कर सकता हूँ। सो इजीली क्या प्लग एंड प्ले है, एक पेन ड्राइव की तरह लुक लाइक वॉल्यूम काम कर रहा है कि मैंने पहले सिस्टम पे अटैच करा देन दूसरे सिस्टम पे अटैच कर दिया। बट इन फिजिकल सिनेरियो में एन नंबर ऑफ इश्यूज आते हैं कंफर्टेबिलिटी के, हार्डवेयर कंफर्टेबिलिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। बट क्लाउड में ये सारे इश्यूज ना एकदम से मैं बोलूं तो कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। आप अपने हार्ड डिस्क, आपके पास दो एचपी के लैपटॉप है, आपने पहले हार्ड डिस्क अपने सिस्टम से निकाली और दूसरे लैपटॉप के अंदर अपने हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। बट क्लाउड पे ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीटली वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे फिजिकल सिस्टम्स का तो नहीं हो रहा, वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो रहा है। जैसे वो ड्राइव हमारी दूसरी मशीन से अटैच होती है तो वो अपने वर्चुअल ड्राइवर्स का यूटिलाइज करती है, तो वो एज ए न्यू डिवाइस इसको ट्रीट करती है, तो कभी भी ड्राइवर के इश्यूज नहीं आएंगे। एक चीज तो ध्यान रख लें यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ये वीएम वन को डिलीट कर रहा हूँ, तो टर्मिनेट कर रहा हूँ, देन मैंने अगर टर्मिनेट कर दिया है और आपने क्या है अब इसका वॉल्यूम हटा रखा है तो वॉल्यूम आपका डिलीट नहीं होगा, वो डेटाबेस आपका डिलीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम हटा रखा है और जब तक यहाँ पर ये वॉल्यूम रहेगा ये चार्जेबल होंगे आपके। तो आपको यहाँ से जो अवेलेबल वॉल्यूम्स हैं उनको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। तो
तो मैं जो वेब सर्वर का वॉल्यूम है मैं इसको भी पहले यहाँ पे VM1 सिलेक्ट करा, एक्शन के अंदर गया एंड डिटेच डिलीट वॉल्यूम, तो मैंने VM1 को डिलीट कर दिया। देन मैं एक और है मेरा इंस्टेंस, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टेंस मेरा बना हुआ है, तो मैं दोबारा से इसको स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज कि मेरे नेक्स्ट बैच के अंदर ये मेरा सर्वर बना हुआ है, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एंड देन मैं इसका वॉल्यूम दोबारा से रिमूव करके देन उसी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को अटैच कर देता हूँ जिससे मेरे नेक्स्ट प्रॉब्लम ना आए। सो वेब सर्वर मैंने अटैच करा हुआ था फिलहाल, सो डिटैच वॉल्यूम, सॉरी मशीन रनिंग है और इसको मैं अटैच कर देता हूँ सिलेक्ट ADDS अटैच वॉल्यूम्स इन पर्टिकुलर ADDS सर्वर एंड HDA तो होप सो क्लियर होगा एंड टुडे क्लास एफिशिएंट या कंटिन्यू आगे करें। गाइस एवरीवन प्लीज रिप्लाई चैट बॉक्स में या जैसे भी आप देना चाहते हो, इनफ है या कंटिन्यू करें? इनफ है सर। वन क्वेश्चन लाइक जैसे अभी हमने अगर इंस्टेंट डिलीट कर दिया क्योंकि तब वॉल्यूम डिलीट नहीं होता है, एम आई राइट? नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपने मैं क्योंकि मैंने वॉल्यूम अभी रिमूव करे हुए इंस्टेंस से इसलिए डिलीट नहीं होंगे, अगर अटैच होते तो डिलीट हो जाते। ओके बट अगर रिमूव करके अगर मैं इंस्टेंट डिलीट कर दूं एंड मेरे पास वॉल्यूम सेफ है तो क्या वॉल्यूम से मैं वापस वो इंस्टेंस बना सकता हूं? बिल्कुल, आप इंस्टेंस बनाइए और ये वॉल्यूम उस भी इंस्टेंस के साथ अटैच कर दीजिए, दैट्स इट। यही तो बेनिफिट है, यही तो मैं बता रहा था इतनी देर से कि आप इन वॉल्यूम्स को किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो, चॉइस इज योर। तो बेटर है आप वॉल्यूम बना के क्यों रखो, आप स्नैपशॉट बना के रखो ना। ओके, क्योंकि आपको जब भी वॉल्यूम्स बनाने आप स्नैपशॉट से बना सकते हो। वेब सर्वर का वॉल्यूम जो मैंने बनाया है मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, अब मुझे अगर दोबारा जरूरत होगी तो मैंने स्नैपशॉट बनाया हुआ उससे मैं वॉल्यूम बना लूंगा, पढ़ा है ना मेरे पास स्नैपशॉट। तो आपके ऊपर है एन नंबर सेट। सो गाइस ये टॉपिक्स हैं, आपका जो टास्क यही है कि जितनी चीजें मैंने अभी कराई है प्लीज इनको क्लियर करिए, क्योंकि मंडे हमारा और वॉल्यूम्स पर है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीक है वो काफी टफ है आप लोगों के लिए, काफी सारी नई चीजें आपके साथ एड ऑन होने वाली है। सो प्लीज इन टॉपिक्स को क्लियर कर लिए, क्योंकि ये जितनी चीजें कराई है नेक्स्ट आगे वाले जो भी लैब्स हैं उनके अंदर इन सारी चीज का यूज होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, अगर आप कहते हैं कि इतना सफिशिएंट नहीं है तो मैं कंटिन्यू अभी कर सकता हूं। मैं आप लोगों को कह रहा हूं। नो आई थिंक दैट्स दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड।